गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्ण मातर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 78 करेंगे। उससे पहले सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 78, 27 जनवरी की ये वर्कशीट है, हिंदी की मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आप वन गो में भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हम सभी ने फादर कामिल बुल्के की शैक्षिक और साहित्यिक यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उनके जीवन यात्रा के बारे में भी जानकारी हमें मिली थी। वे सन्यासी तो थे, परंतु किस रूप से सन्यासी थे, उनके चरित्र की विशेषताएं थी। अब आगे हम इससे आगे पढ़ते हैं। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, यानी कि कोई संकल्प ले लेता है ना कि मैं सन्यासी हूं, कभी कभी लगता है वो मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते तो थे, तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ये कौन सन्यासी करता है, यानी कि सन्यासी तो लोगों से मिलता जुलता नहीं है ना, वो तो एकांत में रहना पसंद करता है, अपना आंखें बंद की अपने परमात्मा में ध्यान रखता है। तो कौन रिश्ते बनाता है, बल्कि सन्यासी तो रिश्तों से दूर रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जानेंगे कि किस प्रकार के सन्यासी थे। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने को थी उनकी चिंता। वो चाहते थे कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में बने, हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। अकाट्य मतलब जिसको काटा ना जा सके, ऐसा तर्क जिसका कोई भी तोड़ ना हो। बीएससी इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है। हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी। हर मौत दिखाती जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति भी। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपके 5 क्वेश्चन आंसर हैं। एक गतिविधि है जिसमें कार्य पत्रक से कठिन शब्द आपको ढूंढने हैं और उनको लिखना है। दूसरे में हिंदी भाषा के बारे में आपके क्या विचार हैं, इसे भविष्य में किस रूप में देखना चाहेंगे, संक्षेप में लिखना है, यानी कि छोटे से शब्दों में आपको इसको बयां करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ओके, सो फादर कामिल बुल्के किस रूप से सन्यासी लगते थे। फादर संकल्प से सन्यासी लगते थे, है ना। फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। लेखक के अनुसार फादर को कब झुंझलाते देखा गया। फादर कामिल बुल्के हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा होते देखकर झुंझलाते थे। फादर बुल्के की कोई दो चरित्रगत विशेषताएं लिखी। फादर बुल्के की कोई दो विशेषताएं हो गई। बुल्के का व्यवहार हर व्यक्ति के लिए आत्मीय था। उनके मन में सभी के लिए प्रेम वात्सल्य अपनत्व और मानव सेवा का भाव था। लेखक के अनुसार फादर बुल्के का जीवन किस प्रकार का था। लेखक के अनुसार फादर बुल्के केवल संकल्प के सन्यासी थे, मन से नहीं। उन्होंने परंपरागत सन्यासी प्रवृत्ति से अलग नई परंपरा को स्थापित किया था। उनका व्यवहार हर व्यक्ति के लिए आत्मीय था। उनके मन में सभी के लिए प्रेम वात्सल्य था। वो बहुत ही सीधे साधे एक सन्यासी की तरह थे। फादर बुल्के को हिंदी के बारे में क्या चिंता थी, उसके लिए वे क्या प्रयास करते थे। फादर कामिल बुल्के की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। उसके लिए वे हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते थे, उसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। अब गतिविधि करते हैं। गतिविधि से जो आपको मुश्किल लगे, ठीक है ना, हो सकता है जो मुझे मुश्किल नजर आ रहा हो आपको आसान नजर आ रहा हो। तो दृढ़ निश्चय, विचार, इरादा, अकाट्य, ये उपेक्षा, सांत्वना, ठीक है ना, ये क्या हो गए, हमारे मुश्किल शब्द हो गए जो हमने ढूंढ कर लिखे हैं। ओके, सो अभी चलते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्रियाकलाप आपको करना है। हिंदी भाषा के बारे में आपके क्या विचार हैं। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि हिंदी भाषा के विकास पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए और जल्दी ही हिंदी भाषा को हमारे देश की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा क्रियाकलाप। अच्छा बच्चों, अभी अन अकेडमी पे जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि आज गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र जब भी रिपब्लिक डे या कोई फेस्टिवल आता है तो अन अकेडमी अपना ऑफर लेकर आता है। तो एक बहुत बढ़िया ऑफर आया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कोड आप लगाएंगे पूर्णिमा 10। इस ऑफर में क्या करेंगे, रिपब्लिक डे पे जैसे आप लोगों को अलग अलग अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अगर खरीदना है अन अकेडमी पे, जैसे 3 महीने का खरीदना है कि भाई टर्म टू की तैयारी हो जाएगी आपकी, 9 महीने का खरीदना है, 12 महीने का खरीदना है, 15 महीने का खरीदना है ताकि आपकी 11th भी पूरी हो जाए उसी सब्सक्रिप्शन में, या आपका भाई 11th में है, आप इसी तरीके से 9th में है, तो उस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है आपको। यानी कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको टोटल 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। और ये ऑफर सिर्फ जनवरी 25, 26 और 27 के लिए है, 25, 26 और 27 के लिए, यानी कि आज 26 है तो कल कल के लिए है। तो इसका कोड रहेगा पूर्णिमा 10। अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको क्या करना है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको जाके चूज करेंगे गोल को, 6th क्लास से लेकर 12th तक सीबीएसई आपकी क्लास है, देन यहाँ पे जाएंगे आप अपनी 10th क्लास को चूज करेंगे। 10th क्लास को चूज करने के बाद यहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन आएगा 10th क्लास का, गेट सब्सक्रिप्शन। अब आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा 10th का, 11th का और 12th का, तो 18 महीने तक आप इन तीनों क्लासेस का एक्सेस पा सकते हैं, ओके। तो प्लस और आइकोनिक दो तरीके के यहाँ पे आपको मिलेंगे। जब आप यहाँ पे जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो आप सेलेक्ट प्लस कर सकते हैं या आइकोनिक कर सकते हैं। आइकोनिक में आपको एक पर्सनल मेंटर दिया जाता है जो आपका टाइम टेबल या आपके पेरेंट्स से बात कर सकता है, या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है उस रिलेटेड आप बात कर सकते हैं। ये पूर्णिमा 10 कोड लगाना है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने देखो 12 महीने का अगर हम देखें तो यहाँ पे 1250 रुपये पर मंथ पड़ता है। एक ट्यूशन की फीस अगर आप 2 सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं वो भी इससे ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आप 5 से भी ज्यादा मतलब लाइक सब्जेक्ट जो है आप आसानी से कवर कर सकते हैं विद PDF, विद लाइव टेस्ट, ठीक है, विद लाइव क्लासेस, विद लाइव डाउट सोल्यूशन, लाइव डाउट सोल्यूशन। तो ये काफी बेनिफिशियल है। अगर आप पूर्णिमा 10 कोड लगाते हैं तो आपको फर्दर 10% डिस्काउंट मिलेगा, आपकी फीस और भी कम हो जाएगी, 1125 हो जाएगी, ठीक है, पर मंथ की। आपको कोड लगाना है यहाँ पे पूर्णिमा 10, तो प्रोसीड टू पे। ये काफी अच्छा ऑफर अभी आया है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।